लोकसभा चुनाव 2019 नरेंद्र मोदी ने अपना जादू एक बार फिर दिखाया और उसके बाद से ही अर्थ प्रकाश की टीम मोदी मैजिक का रहस्य जानने जब शहर निकली तो मध्यम वर्गीय आम लोगों से जाना कि मोदी की चुनावों में बड़ी जीत की वजह आखिर क्या है और अगले 5 साल के लिए जनता मोदी से क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं। तो बताओ आपका नाम क्या है? मैं जी भाजपा दोबारा से सत्ता में आई है, क्या कुछ कहेंगे किस वजह से वापस जनता ने उनको चुना है? वो अच्छा काम करेगा तो वो तो दोबारा तो आएगा ही। क्या कुछ अच्छे काम? सारे काम अच्छे किए, एक अगर जीएसटी का गलत भी कर दिया तो 4 काम अच्छे भी किए हैं। मोदी जी ने कहा था पकौड़ा बेचना एक अच्छा रोजगार है, एक अच्छा बिजनेस है, क्या कहेंगे? अच्छा ही है, हम लोग तो वही काम कर रहे हैं। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए सर ये काम करते हुए? 19 साल से, मतलब कि अच्छा चल रहा है आपका बिजनेस? हमारा काम अच्छा चल रहा है। रामविलास जी, भाजपा दोबारा से आ गई है सत्ता में, क्या था कुछ वजह रहे होंगे जिनके वजह से वो वापस आएगा? तो अभी गवर्नमेंट टीम को पता होना चाहिए कि हम तो अभी तक कांग्रेस के कार्य हमारे अभी तो सुविधा गांधी कराया हुआ चल रहा है, थोड़ा ये अपना रोजी रोटी आज ठीक मिल रही है, हम पंजाब मोहाली से मिल रहे हैं बस। और कुछ आपको लगा नहीं कि भाजपा सरकार ने कुछ किया हो जिसके वजह से? नहीं सर, हमारे देखने में तो कुछ नहीं, उनकी टारगेट वाली है, इनको फायदा है सिलेंडर के लिए बोले थे, वो सब्सिडी वापस नहीं होता जनता को, वो सब्सिडी पूरा कर लेते। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस के टाइम पे ये सब कुछ? कांग्रेस देखो कोई रोजी मारती नहीं है, सबको रोटी मिलता है, हम तो ये संगठासी से ही है पंजाब के अंदर। तो आपने क्या कुछ बदलाव देखे कांग्रेस के टाइम पे, जैसे कि आपको भाजपा के समय में नहीं देखने को मिला? सर अभी तो हमारे को उल्टा सीधा सारे नजर आ रहा है, तो हम गरीब में हम लोग नहीं बातें उठा सकते। अब चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, जैसे कि कांग्रेस में प्रज्ञा जी थे और किरण खेर जी थी, किरण खेर जी के 5 साल कैसे रहे? चंडीगढ़ में हम रहते हैं। अच्छा, प्रेमपाल जी भाजपा दोबारा से सत्ता में आई है, तो क्या कुछ वजह रही होंगी जिनके वजह से लोगों ने उनको दोबारा से चुनाव में चुना है? उन्होंने सर यही है अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम जैसे कि क्या? अच्छे काम जैसे क्या किया है? गांव से ज्यादा गांव के हट ज्यादा वोट मिले हैं उन्हें, तो लोगों को गैस सिलेंडर दिए हैं और किसान भाइयों को वो क्या पैसे पूरे दिए हैं, हाँ 6,000 रुपए दिया है गाँव में हमारे यूपी में। यूपी में? हाँ जी हाँ, यूपी में लोगों को मिला 6,000। हाँ 6,000। कई जगह पे जैसे कि कई सर्वे भी हुए, टीवी चैनल वालों ने भी दिखाई कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कई जगह नहीं हो पाया, ऐसे मिल नहीं पाया लोगों को 6,000 जी मिले मिले। तो और इनके अलावा कुछ और ऐसे काम हुए हो? इनके अलावा और भी बड़े अच्छे काम है, देखो साफ सफाई का कितना अच्छा काम चल रहा है, गांव-गांव बिजली पहुंच गई, घर घर में लाइट जल रही है, और इतना ही सब कुछ चाहिए गरीबों को क्या कितना। तो कांग्रेस के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता? कांग्रेस टाइम पे था पर इतना नहीं था। अच्छा, इतना नहीं था। हाँ जी। नाम? हाँ जी सर, आपका नाम? जैसी भाजपा दोबारा से सत्ता में आई है, क्या कुछ वजह रही होंगी जिनकी वजह से वो वापस सत्ता में आ सके? सबसे बड़ी बात तो है मोदी की पर्सनैलिटी। मोदी जी की पर्सनैलिटी? अच्छा, और उन्होंने देश के लिए 5 साल में जो काम किए हैं वो लोगों को पसंद आए, इसलिए दोबारा उनको चांस दिया गया। क्या कुछ ऐसे मतलब कि जरूरी जो हाईलाइट कर सकें आप कुछ ऐसे काम? अरे यार इतना टाइम थोड़ी है, इसको गर्दन दुख रही है। अच्छा। तो आपको मोटी मोटी बात बता दें। अच्छा। तो कांग्रेस सर सत्ता में नहीं आ पाई तो क्या कारण थे? राहुल को बोलना ही नहीं आता। तो क्या राहुल जी के ना बोलने के कारण सत्ता में नहीं आ पाई या और कोई वजह रही होगी? राहुल ने अपनी बेसी आप करवाई। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।